हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बैक नेक डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लिया है, देख सकते हैं। और इसको अब हम गला की नेक जो है कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको सेट करके रखती हूँ। मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा दिया है। अभी हम यहाँ पर गले के मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 2.5 इंच की चौड़ाई ली है और लंबाई हम ले रहे हैं 11 इंच। और इसको एकदम सीधा मिलाना है। आप कपड़े को उल्टा करके भी कर सकते हैं, मैं इसको सीधा करके बना रही हूँ। और इसको इस तरह से राउंड शेप दे देना है, थोड़ा सा इधर से घुमाकर। अब इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। मैंने पहले इस पे निशान लगा दिया सीधा में, वैसे आप उल्टा रख के सीधा निशान लगाएं तो बेटर होगा। अभी हम ना इसके अकॉर्डिंग हमें फ्यूजिंग पेपर की कटिंग करनी है। तो चलिए फ्यूजिंग पेपर की हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे अपना फ्यूजिंग पेपर और जितना हमें ज़रूरत है उतना निकाल लेंगे। ऐसे रख के फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये जो गला वाला पार्ट हमने निकाला है ना, उसी को हमें निशान लगाना है। देखिए, जो हमने गला वाला पार्ट निकाला था ना, बस उस पर ऐसे रख के पिन लगा देना है। और अभी हम इस पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। पहले हम जितना है उतना निशान लगाएंगे, फिर उससे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे 1-1 इंच, या फिर आप 1.25 इंच के करीब ले लें। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। तो ये हो गई कटिंग। अभी हम क्या करेंगे, अंदर वाला पार्ट कट करेंगे। तो पिन को निकाल देना है और यहाँ से जो हमने निशान लगाया है तो उसको कट करने के लिए हमने पिन जो है फ्यूजिंग पेपर में लगा लिया, क्योंकि फ्यूजिंग पेपर इधर से उधर नहीं होगा और हमारी कटिंग जो है हो जाएगी। तो ये होगी कटिंग। तो हमारी जो अब हमें इसको स्टिच करना है, तो हमने यहाँ पे ना कपड़ा ले लेना है, ये अस्तर वाला पार्ट कपड़ा है, उससे ले लेना है। उसको इस तरह से रख देना है फोल्ड करके, इस तरह से हमें सेट करना है। तो यहाँ पर हमारा ना कपड़ा देखिए नीचे थोड़ा कम हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया था ना, उसको यहाँ से कट कर देना है। और इस कपड़े को हम ज्वाइन करके इस पर लगा लेंगे अपना फ्यूजिंग पेपर। तो अभी हम स्टिच करने आ गए हैं। तो पहले हम ये अंदर का गला वाला पार्ट स्टिच करने से पहले हम यहाँ पर ये कपड़ा है जो स्टिच कर दिए हैं, और इसको इसके ऊपर रख देना है फ्यूजिंग पेपर को। और अब हम इसको रख कर पिन लगा लेंगे दोनों किनारों पर, एक एक करके पिन लगा देना है। और अभी हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। और नीचे से जो एक्स्ट्रा होगा उसे हमें कट कर देना है। नीचे भी एक हम पिन लगा देंगे बीच में, कि जो हमारा फ्यूजिंग पेपर होगा वो इधर से उधर टच से मस्त नहीं होगा और हमारी सिलाई अच्छे से हो जाएगी। और अभी हम इसको सील देके ऐसे फोल्ड करके सील सकते हैं, ऐसे भी सील सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो फोल्ड कर दें। देखिए, नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा ना, उसे आपने राउंड में कट कर देना है। तो राउंड में कट करने से इसकी शेप भी राउंड में बन जाएगी और हल्का सा फोल्ड कर सकते हैं इसको अच्छे से। तो ये हो गई हमारी सिलाई हो जाएगी। इसके बाद हमें इस फ्यूजिंग पेपर को जो हमने सिला है उसे अपने मेन फैब्रिक के गले पर अटैच करना है। और गले पर अटैच करने से पहले हम वो जो मेन फैब्रिक है उसके जो गले की हमने कटिंग की है उसको हमें स्टिच कर लेना है। तो अभी ये स्टिच हो चुका है और अभी हम इसको इस तरह से ज्वाइंट करने के लिए रखेंगे। तो उससे पहले हम इसके अंदर वाले पार्ट को कट कर देंगे। हल्का सा छोड़कर हम कट करेंगे क्योंकि हमें स्टिच करना है अभी इसके साथ, गले के साथ। तो इतना मैंने छोड़कर इसको स्टिच करना है। अब यहाँ से हम इसको रखेंगे और सिलाई शुरू करेंगे। उससे पहले हमने बीच में एक पिन लगाना है जिससे ये पूरा सेंटर में रहेगा। इस तरह से बीच में आपने एक कट लगाना है और इसको भी फोल्ड करके आपने एक कट लगा देना है, ऐसे फोल्ड कर देना है। और बीचों बीच एक कट्स पॉइंट लगा देंगे या फिर निशान लगा लीजिए। तो मैंने निशान ही लगा लिया है, उसी निशान पर हमें कट पॉइंट को रखना है और एकदम ऐसे बराबर करके पिन लगा देना है।
और अभी हम इसकी इस तरह से सिलाई शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई शुरू कर रहे हैं पहले बीच में से, फिर हम दूसरी साइड से आके इसको सील देंगे। साथ में मैंने यहाँ पे डोरी रख के भी सील दिया है अंदर से। तो ये होगी हमारी सिलाई। अब एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देना है और उसके बाद अंदर थोड़े थोड़े कट्स पॉइंट लगा देंगे हम और इसको हम पलट लेंगे। तो इसे हमने पलट लिया है और डोरी भी साथ में अटैच कर दिया है। अब इसे पलटने के बाद, डोरी अटैच करने के बाद, हम फ्यूजिंग पेपर का जो पार्ट बचा हुआ था गले से उसे ले लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है, इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देना है और यहाँ से जहाँ तक ये राउंड शेप बना है वहाँ तक इसको मार्क कर लेना है और दूसरे साइड से इसको राउंड में नाप लेना है और इसे हमें कट कर लेना है। इसी के माप का हमें ना कपड़ा भी कट कर लेना जो कि हमारा गले से निकला हुआ था अस्तर और मेन फैब्रिक। तो अब एक अस्तर हमें और चाहिए क्योंकि कपड़ा काफ़ी पतला है तो हम इसे पलट नहीं सकते हैं, उस तरह से ये फ्यूजिंग पेपर दिखने लगेगा। सबसे पहले इस अस्तर के साथ इसको पूरा हम अटैच कर देंगे ऊपर से नीचे तक, दोनों तरफ से हम इसको अटैच कर देते हैं फ्यूजिंग पेपर को। उसके बाद हम इस तरह से अटैच करने के बाद ये जो हमारा अस्तर है मेन फैब्रिक है उसको रख कर एक और अस्तर की कटिंग कर लेंगे हम, और कटिंग करके इसके साथ भी हम ज्वाइन कर देंगे क्योंकि देखिए इस तरह से रखने से काफ़ी पतला हो जाएगा और हमारा फ्यूजिंग पेपर दिखने लगेगा। इसलिए हमें इसको दूसरा एक कपड़ा ले लेना है और अस्तर, और देखिए भी गले से मैंने निकला हुआ पार्ट का यूज़ किया है, इस तरह से सेट करके रख देना है और इसके भी हमें कटिंग करके इसको अटैच कर लेना पूरा, मतलब इसके साथ हमें ज्वाइंट कर लेना है। अभी इसके साथ ज्वाइन करने के बाद हम एक एक पीस ले लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से सेट करके, और ऊपर वाले पार्ट से हमें सिर्फ इसको सिलाई करना है क्योंकि इसको हमें पलटना है इसीलिए। तो ऊपर वाले पार्ट से हम इसको स्टिच कर लेते हैं। देखिए इसे हमने पलट भी लिया है इस तरह से, और ये अभी इसमें बीचों बीच एक हमें डिजाइन देने के लिए एक गोल्डन कलर का कपड़ा लेना है, इसको इस तरह से हमें तिकोना शेप देकर बराबर में काट कर लेना है और इधर से भी कट कर लेना है। और अब इसको हम इस तरह से चार पीसेस रेडी हैं, इस तरह से कोन बनाकर सील लेंगे। चारों पीसेस को हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। चारों पीसेस को मैंने स्टिच कर लिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर दिया है और अब हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है तैयार कर कर अपने पीसेस जो जो है। अब इसे ज्वाइंट कैसे करना है वो आपके साथ शेयर करेंगे, साथ में मैंने यहाँ पर लेस भी रख दिया है। तो चलिए अब इसे हम ज्वाइंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये वाले पार्ट को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे और एकदम बराबर रख देना है सेट करके इस तरह से चारों पीसेस को, और बीचों बीच एक सिलाई लगा देना है। अब
इस पार्ट को हमें इसके बीचों बीच स्टिच करना है इस तरह से रख के। तो एक एक पिन हम दोनों साइड से लगा लेंगे इस तरह से, और इस तरह से बीच बीच आ जाएगा। अब इसे हमें स्टिच करना है, तो हम एक किनारे से शुरू करके स्टिच करेंगे, फिर दूसरे किनारे तक लेके जाएंगे। तो ये भी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब हमें इसे मेन कपड़ा में जोड़ना है, तो उसे किस तरह से जोड़ना देखिए, इस तरह से आपने रखना है और एकदम बराबर रख के मिड सेंटर पॉइंट जो हमारा निशान लगाए थे हम, या फिर आप फिर से लगा लें अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो, और उसी सेंटर पॉइंट को आपने मिलाते हुए इसको जोड़ना है, एकदम सेंटर में रखना है इसको जो हमारा डिज़ाइन बना है, और वहाँ पर एक पिन लगा लीजिए। और अभी हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे इस तरह से, इस तरह से रख देना है, और अब इसको हमें ज्वाइन कर लेना है। तो इसे ज्वाइन करने के बाद हमें ये लेस लेना है, और लेस को हमें किस तरह से लगाना है, सबसे पहले हमें इसके ऊपर से इस तरह से लगा लेना है, और इसके बीचों बीच लगाने के बाद हम इसके किनारे से राउंड में लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपने लेस को घुमाते घुमाते पूरा कंप्लीट कर लेना है, और लेस तक हमारा जो है काम कंप्लीट हो जा रहा है। साइड वाली लेस अगर आपको लगानी है तो लगा सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप साइड में लेस ना लगाएं। मैंने यहाँ पर डबल लेस कर दिया, और जहाँ पे स्टोन है उसे निकाल कर इस लेस को लगा रही हूँ, नहीं तो मेरी सुई टूट सकती है, इसलिए मैं इसे निकाल कर लगा रही हूँ। अगर आपको एक सिंगल लेस पसंद है तो आप सिंगल ही लेस लगा लें। तो बस इसे हम अटैच कर लेंगे, और उसके बाद आपको जो भी लटकन तैयार करने हैं आप लटकन लगा लें। तो यहाँ पर मैं आपको लटकन तो दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने बाद में से लगा लिया था, और सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको ये पूरा वीडियो मतलब पूरा फुल मैं इसका इमेज भी नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि जिसका ये ब्लाउज़ था वो जल्दबाजी में मैंने उनको ब्लाउज़ दे दिया, और उसके बाद मैंने उनसे पिक भी नहीं ली इस ब्लाउज़ की, और ना ही इसका वीडियो मैं फुल बना पाई। मैं बस ये डिज़ाइन तक मैं आपको मशीन पर ही दिखा सकती हूँ, आगे मैंने इसको नीचे रख के ना इसका पिक लिया ना वीडियो बनाया। तो जहाँ तक आपको समझ आता है, अगर नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से डिज़ाइन दिख रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके आगे वीडियो जो है ना इसका नहीं बना पाया। तो बस इसमें आपको लटकन तैयार करने हैं, और नीचे की पट्टी लगा देनी है, और इसमें आपको ये नीचे की जो होती है प्लेट्स बना लेनी है। तो इस तरह से मैंने बस इतना आपको डिज़ाइन जो है ना सामने दिखा पा रही हूँ। ये भी तो शुक्र है मैंने इतना बना लिया था, क्योंकि उसके बाद तो मैंने नीचे रख के इसका वीडियो फुल बना नहीं पाई। और यहाँ पर आपने इस तरह से मोती टाक लेने हैं, जो भी आपको कलर की पसंद है उसे मोती लगा लें और इसको स्टिच कर लें।
तो इस तरह से मैंने नीचे की पट्टी भी लगा ली है, प्लेट भी डाल ली है और मोती भी लगा लिए हैं। और अभी जो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ सिर्फ मशीन पे ही दिखा पाई। तो बस इस तरह से आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी।